इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी बैंड के अंदर, अगर आप कुछ तरीके से लिखा हुआ आता है कार्ट पेयर मी बैंड या फिर मी फिट एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रीसेट कर लीजिए अपने बैंड को, तो अपने रीसेट कर लीजिए बैंड को क्योंकि मैं कर चुका हूँ फिर भी ये इशू दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर ये इशू आपको दिखा रहा हो तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको मिनिमाइज़ आ जाना है और सिंपली जाना है अपने प्ले स्टोर में सबसे पहले और मी फिट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगर इस पर अपडेट आ रहा हो तो फ़िलहाल अभी अपडेट नहीं आ रहा लेकिन 100% आपके में आ रहा होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद बैक लाइए और अपने जो है फिर फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। तो फ़ोन की सेटिंग्स में भी हम चलते हैं और यहाँ पर अपने एप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाइएगा, एप्लीकेशन मैनेजर मैनेजमेंट में। तो यहीं पर एप्स में जाइएगा और मैनेज एप्स में जाइएगा और यहाँ पर मी फिट को आप फाइंड कर लीजिएगा। तो ये कहीं पर आपको मिलेगा, ये रहा, इसको खोल लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है रिस्ट्रिक डेटा यूसेज पर और तीनों पर टिक लगा देना, अगर किसी पर रन टिक है तो टिक लगा दीजिएगा सब पर। और फिर यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है और ऐप परमिशंस पे जाकर इसकी परमिशंस को सबको अलाउ कर देना है और ऑटो स्टार्ट वगैरह स्टार्ट कर देना है। यहाँ से जितनी भी परमिशन ये आपसे मांगे उन सबको यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिएगा। इंस्टॉल डेट वगैरह ये जो है नोटिफिकेशंस बैंड वगैरह स्टार्ट होती हैं तो आपको ये करना है, फिर आप उसको अपने फ़ोन को बंद कर लीजिएगा फिर स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर आपको जो दिक्कत आ रही होगी वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस आपको करना है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर उसके बाद। तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।